रविंद्रनाथ ठाकुर। बच्चों, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता को तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के ठाकुर बाड़ी में हुआ। वे विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान जनगणमन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की प्राथमिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर एक जाने माने समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि रविंद्रनाथ बड़े होकर बैरिस्टर बने, इसलिए उन्होंने रविंद्रनाथ को कानून की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा। लेकिन रविंद्रनाथ का मन तो साहित्य में था, फिर मन वहां कैसे लगता, इसलिए बिना डिग्री लिए वापस आ गए। टैगोर ने इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया और कालिदास की शास्त्रीय कविताएं पढ़ी। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। जीवन के अंतिम समय 7 अगस्त 1941 के कुछ समय पहले इलाज के लिए जब उन्हें शांति निकेतन से कोलकाता ले जाया जा रहा था, तो उनकी नातिन ने कहा, आपको मालूम है हमारे यहाँ नया पावर हाउस बन रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, पुराना आलोक चला जाएगा, नए का आगमन होगा। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला।